सावन माह भगवान शिव का सबसे प्रिय माह माना जाता है। सोमवार के दिन पूजन करने से श्रद्धालुओं पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। आज सावन माह का अंतिम सोमवार है और साथ ही आज रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा का यह संयोग अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव की आराधना और अभिषेक से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवघर के मुदगल ज्योतिष केंद्र के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित नंदकिशोर मुदगल ने इस दिन की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि सावन पूर्णिमा का दिन अद्वितीय है। इस वर्ष 19 अगस्त को आने वाली सावन पूर्णिमा पर भगवान शिव की आराधना से भक्तों के सभी दुख, रोग, दोष और पाप दूर होंगे। पूर्णिमा जिसको कहते हैं, वह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। तो इस बार जो है बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग मिल रहा है। पंडित नंदकिशोर मुदगल ने आगे बताया कि इस साल सावन पूर्णिमा पर 100 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, सौभाग्य योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है, जिसका प्रभाव तीन विशेष राशियों मेष, मिथुन और धनु पर अत्यंत शुभ होगा। पूर्णिमा तिथि में श्रवणा नक्षत्र पूर्णिमा तिथि में सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और सौभाग्य योग बन रहा है। तो इस ऐसे संयोग से तीन राशि वालों के ऊपर शंकर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है, क्योंकि सावन पूर्णिमा जो है वह शंकर भगवान के नाम से अर्पित रहता है। तो शंकर भगवान तीन राशियों पर विशेष कृपा बरसाने जा रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह दिन अत्यंत सकारात्मक रहेगा। आर्थिक उन्नति के साथ साथ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक अवश्य करें। तो उस दिन करना क्या है, भगवान शंकर की विशेष पूजा करना है, अर्चना करना है, अभिषेक करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन करियर और कारोबार में वृद्धि लेकर आएगा। व्यापार में आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं और नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। शिव मंदिर में जाकर राम नाम लिखा बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण करें और जल चढ़ाएं। आसपास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर हो उसमें आप जाकर के जलाभिषेक अवश्य करें। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह दिन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने वाला होगा। पिता के सहयोग से अटका हुआ कार्य पूर्ण होगा और वैवाहिक जीवन में सुख मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलेंगे। किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें। मानसिक शांति मिलेगी और सभी समस्याएं समाप्त होंगी। मेष मिथुन और धनु राशि वालों के लिए, ये तीन राशि वालों के लिए शंकर भगवान की विशेष कृपा होने जा रही है। इसलिए ये तीन राशि वाले पूर्णिमा के दिन अवश्य शंकर भगवान की पूजा अर्चना। सावन पूर्णिमा का यह अद्भुत संयोग जो 100 वर्षों बाद बना है, निश्चित रूप से इन तीन राशियों के जीवन में नया प्रकाश लेकर आएगा। भगवान शिव की कृपा से इनका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर जाएगा। देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट।